प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राजस्थान में भाजपा का चुनावी अभियान शुरू किया। अजमेर में चुनावी सभा में उन्होंने कहा, कांग्रेस विकास की योजनाओं में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। कांग्रेस लूटने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। गरीब हो, वंचित हो, आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबको समान भाव से लूटती है। बता दें कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत अजमेर से की गई है। पीएम ने सभा में कहा, कांग्रेस ने करोड़ों महिलाओं और बच्चों के साथ खिलवाड़ किया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब देश में टीकाकरण का दायरा 60% ही पहुंच पाया। तब 100 में 40 महिलाएं और बच्चे ऐसे होते थे जिनको जीवन रक्षक टीके नहीं लग पाते थे। यदि अभी कांग्रेस सरकार होती तो कोरोना का टीका सबको लगाने में 40 साल लग जाते। ये नवनिर्माण का दौर चल रहा है। 2014 से पहले पूरे देश में जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध सड़क पर उतरी थी। बड़े शहरों में आए दिन आतंकी हमले होते थे। सीमा पर कांग्रेस सरकार सड़कें बनाने से डरती थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।